इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी समय देना पड़ेगा। अभी इमीडिएट प्रायोरिटी है जो बच्चे घायल हैं उनको देखा जाए, और अभी हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली इसमें दो बच्चों की डेथ हुई है और तीन बच्चे घायल हैं। और प्राइमा फेसाई जो कारण लगता है कि दीवार के दूसरी तरफ कुछ कार्य वगैरह चल रहा था, उसके कारण से सुबह बताया गया कि बच्चे जब दीवार के तरफ पढ़ाई वगैरह कर रहे थे तो बॉल गिरी है प्रेशर से, और इसमें इन्वेस्टिगेशन होने दीजिए, डिटेल्स पता चलेंगे। एक मिनिस्टर इंक्वायरी भी सेटअप कर रहे हैं, तो जैसा SSP साहब ने बताया होगा आपको कि FIR दर्ज करके और जो अगर कल्प्रिट होंगे तो उनके विरुद्ध तत्काल कार्रवाई भी की जाएगी। इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जिन बच्चों की डेथ हुई है उनको क्या हम कंपनसेशन के रूप में कर सकते हैं, वो भी हम विचार कर रहे हैं, बहुत जल्दी इसमें निर्णय करेंगे। सर, ये स्कूल प्राइवेट था, रजिस्टर्ड था कहीं से? क्या BSA आ रहे हैं, BSA को आने के लिए एक बार एग्जामिन करने डिटेल बताएंगे। निश्चित रूप से सरकारी स्कूल नहीं था, अब ये रिकॉग्नाइज था कि नहीं था इसके बारे में BSA अभी बता। सर, बच्चों की उम्र कितनी थी और किस क्लास? छोटे बच्चे थे, 10 साल के लगभग बताया गया, 10 और 11 वर्ष के लगभग बताया गया। कंस्ट्रक्शन जो हो रही थी, क्या ये कंस्ट्रक्शन के पहले से मंजूरी ली हुई थी? इलीगल करने दीजिए, मिस्टर इंक्वायरी मैंने आपसे कहा कि सेटअप कर रहे हैं, सारी बातें सामने आ जाएंगी, और जो कल्पिट अगर कोई होगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसा मैं और SSP साहब दोनों लोग आश्वासन देते हैं। ठीक है।